नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। देखिए लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण अभियान चलाकर सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन सरोजनी नगर थाने पर तैनात थाना प्रभारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। पीड़ित मधु गौतम का आरोप, सरोजनी नगर थाना प्रभारी ने अपमानित कर बद्दी बद्दी गाली देते हुए थाने से भगाया। मधु गौतम ने बताया कि अपने पिता की हत्या के मामले में सरोजनी नगर थाने से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी के लिए गई थी थाने, जहां प्रभारी ने पीड़ित को ही बद्दी बद्दी गाली देते हुए थाने से भगा दिया। पीड़िता का आरोप, थाना प्रभारी ने पीड़िता से कहा, अगर दोबारा थाने में दिखाई दी तो तुमको ही उठाकर बंद कर दूंगा, जिसके बाद पीड़ित मधु गौतम ने इसकी शिकायत की DCP मध्य से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की आस में मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस कमिश्नर से लिखित शिकायत कर लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित ने बताया कि एक माह पूर्व उसके पिता खेमई की फांसी के फंदे से लटकाकर गांव के कुछ लोगों ने हत्या कर दी। रहने वाले 3 लोगों के खिलाफ धारा 306 से मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप, एक माह बीत जाने के बावजूद मौजूद पुलिस आरोपियों को नहीं कर रहे थे गिरफ्तार, क्योंकि योगी सरकार में महिला सुरक्षा के लिए किए गए दावों की सरोजनी नगर पुलिस दिखा रही है ठेंगा। भैया धनकला नाम है। क्या हुआ, क्या समस्या है आपकी? भैया वीर पाल हमारा लड़का जेल करा दिन ना, हमारे लड़का कहीं जेल झूठी के सम फसा दिन, कहीं क्या घर में कमावा खोलो तो कहीं कमावा, हम कहीं कहा कहीं नहीं तो भैया कुछ वीर पाल आ जा रहा है हमारे कहा कि तुम कमारा खोलो, तो हम कहीं कहा भैया कहा लमना खोल बेका है, बस बात बताओ कहीं की बात भीतर आई तो बताई, तो हमारे यहाँ गए तो खोल दी ने काला भैया काया, तो काला सुनो यार अपन बिटिया दे उनका रात रात कहीं नहीं तो तुम्हारे लड़का छुटा दे जेल के ने 20 साल लड़का तुम्हारा छुटे न दे मैं पुलिस पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? तो काला 10 लाख रुपए दो ना अपन बिटिया दो यार रात के ने तो कहन भैया 10 लाख हमारे लगे कहाँ, तो काला ना दो प्रधान किया चलो। फिर क्या हुआ? तो हम कहन प्रधान किया भैया तू मेरे 10 रुपया कहाँ से लाई? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है कि नहीं? भैया हम किन मगर हमारी सुनवाई कुछ नहीं बताता ने के अंदर हमारे क्या चाहते हैं आप? मंजूरी कैसे कर बिटिया ले भाग रहे नहीं थे से मां कोई सुनवे नहीं भी न बंद किन किन कुछ मां मना लाउट का के मेरे मिला नहीं और का मांग गया मैं पता। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो जिससे आपको न्याय मिल सके, आप क्या चाहते हैं? हमारे राम हमारी सहायता सब जने करो मिलकर हमका के कुल मिला के आपको न्याय मिले है? हमका न्याय मिले, हम बिटिया ले अकेले मर रहे हैं कर रहे हमरे पर नया को पैसा न कर हम बिटिया ले का कर रहे ठीक। क्या समस्या है आपकी? हमारे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। कब और किसने हत्या की आपके पिताजी की? 19 तारीख 10वां महीना 2021 वीरपाल सौरभ संतराम गंगाराम ने मिलकर हमारे पिताजी की हत्या कर दी थी। घर से बुलाकर ले गए थे और फांसी लगा के हत्या कर दी उनकी। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद हम थाने गए और हमने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज हो गई 306 में मुकदमा दर्ज है, पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही आरोपियों के खिलाफ। और सर जब भी हम थाने पे जाते हैं कहते हैं सर आगे अभी कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, तो सर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता। और वहां से हमें 4 तारीख को हम थाने पे गए, महेंद्र सर से हमने कहा थाना निरीक्षक जो है, तो उन्होंने हमें जात सूचक शब्द देकर बद्दी बद्दी गालियाँ दी और स्वयं धक्के देकर हमें वहां से भगा दिया था और बोला कि इस संबंध को लेके दोबारा थाने पर मत आना, नहीं तुझको ही उठाकर बंद कर देंगे, तुझे जो करना हो कर ले जाके। तो इसके बाद आपने कहीं शिकायत की है इनकी? सर हमने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री से लेकर कमिश्नर सर तक प्रार्थना पत्र भेज दिया है। अब हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री और कमिश्नर सर हमें न्याय दिलाएंगे। ठीक।